नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मीणा है। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का एक विशिष्ट भूभाग है, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग से उत्तर में खेतरी तक है, जो कर्णवत रूप में विस्तारित है। अगर राज्य में इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो राज्य में इसकी कुल लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है एवं अरावली पर्वतमाला की भारत राजस्थान के अतिरिक्त कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है, जिसकी दिशा वही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जिसे हम विशिष्ट एवं वलित पर्वतमाला या ये कहें कि अरावली पर्वतमाला वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। यह पर्वत चोटी उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में नीलगिरी पर्वत श्रेणी के मध्य सबसे उच्च पर्वत चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया था। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को जाननी चाहिए कि हमने यहाँ पर कहा था कि अरावली पर्वत श्रेणी वलित एवं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। वलित का मतलब होता है कि कोई भी पर्वत श्रेणी जिसका निर्माण संपीड़नात्मक बल के कारण होता है, संपीड़नात्मक बल का कारण होता है जब दो बल आमने सामने से लगते हैं, ठीक है। तो जब दो बल आमने सामने से लगते हैं तो उनके मध्य जो मलबा होता है वो क्या हो जाता है, वलित हो जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित पर्वत चोटी को या पर्वत श्रेणी को हम वलित पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। एवं अवशिष्ट का मतलब वही सामान्य सी बात है कि जो अपनी युवावस्था से गुजर कर जीर्णावस्था में पहुंच चुकी हो, तो अरावली पर्वतमाला जीर्णावस्था में है, इसीलिए इसको अवशिष्ट नाम कहते हैं। अवशिष्ट मतलब कि जो अपने बचे कुचे रूप में बची हुई है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जिसकी उत्पत्ति या निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह अवशिष्ट एवं वलित प्रकार की है। इसके बाद हम देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी एकमात्र विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश ही नहीं है, अपितु यह राज्य के लिए विशेष महत्व भी रखती है, जिसको हम क्रमबद्ध रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान को दो विशिष्ट भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित करती है, जिसके पश्चिम वाला भाग मरुस्थली प्रदेश है एवं पूर्वी भाग गैर मरुस्थली प्रदेश है। तो हम ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो विशिष्ट भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित करती है, और साथ ही अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीय विस्तार को भी पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। नंबर दो, अरावली पर्वत श्रेणियाँ या ये कहें कि अरावली पर्वतमाला से अनेक नदियाँ निकलती हैं, जिस प्रकार से साबरमती बनास, बेड़च, सूगड़ी, लूनी, कोठारी आदि। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणियाँ अनेक प्रकार के वन्य जीवों की शरणस्थली हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं एवं वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणियाँ खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है उसमें अनेक झीलें पाई जाती हैं, जो न केवल सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराती हैं, इसके अलावा वह पर्यटन की दृष्टि से भी अपना महत्व रखती हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर प्रमुख झीलें जैसे राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद, फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, सिली सेठ, फाय सागर आदि। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का
राजस्थान के संदर्भ में विशेष महत्व है, जिसको हमने बिंदुवार देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला को, अरावली पर्वतमाला को तीन उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अरावली पर्वतमाला को निम्नलिखित तीन उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा है दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी अरावली प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अरावली प्रदेश का विस्तार, उत्तरी अरावली प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से जयपुर, दौसा एवं अलवर जिलों में है। यहाँ अरावली श्रृंखला अनवरत रूप से न होकर दूर दूर होती है। इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ एवं जयपुर तथा अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित की जाती हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शेखावाटी एवं पूर्व में तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं। तोरावाटी और अलवर की श्रृंखला समानांतर पहाड़ी क्रम में है। जयपुर में प्रमुख पर्वतमालाओं की बात की जाए तो यहाँ पर जयगढ़, नारगढ़, मनोहरपुरा, इसके अलावा अलवर में अरावली पर्वतमालाओं की जो चोटी पाई जाती हैं उनमें प्रमुख रूप से भानगढ़, सिरवाशा, वैराट, विलाली इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा और यहाँ पर उत्तरी अरावली प्रदेश में पर्वत श्रेणियों की बात की जाए तो यहाँ पर खो, बाबई इत्यादि पर्वत चोटियाँ भी पाई जाती हैं। इसके बाद हम मध्य अरावली की बात करते हैं। मध्य अरावली का क्षेत्र मुख्य रूप से अजमेर ज़िले में है, हाँ, यहाँ पर एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कौन से ज़िले में है तो वो ज़िला कौन सा है, अजमेर ज़िला है। तो मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार अजमेर ज़िले में है। मध्य अरावली में एक ओर पर्वत श्रेणियाँ हैं तो दूसरी ओर संकीर्ण घाटियाँ और समतल स्थल भी है। उत्तरी अजमेर में समतल क्षेत्र है तो व्यावर क्षेत्र अनेक पहाड़ियों से असमतल है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ की 870 मीटर तारागढ़, अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में तारागढ़ और पश्चिम भाग में सर्पलाकार रूप में पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनको हम नाग पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, नाग पहाड़ी। इसका कुछ भाग जयपुर एवं पश्चिमी टोंक जिले में भी है। इस भाग में अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर के आसपास है। टाड़गढ़ तहसील में मराई जी की ऊंचाई 933 मीटर है। इसके अलावा अजमेर ज़िले के व्यावर तहसील में चार दर्रे पाए जाते हैं, जिनके प्रमुख नाम प्रमुख रूप से व्यावर तहसील में चार दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें पहला दर्रे का नाम है
बार परवेरिया, बार परवेरिया। दूसरे दर्रे का नाम है शिवपुर, शिवपुरा घाट। तीसरे दर्रे का नाम है सूरा घाट दर्रा। और अंतिम दर्रे का नाम है देवारी घाट दर्रा, देवारी घाट दर्रा। इस प्रकार से मध्य अरावली का विस्तार प्रमुख रूप से अजमेर ज़िले में है, जिसके दक्षिण पश्चिमी भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में सर्पलाकार रूप में नागपाड़ियाँ अवस्थित हैं, एवं अजमेर ज़िले के दक्षिण अजमेर ज़िले की ब्यावर तहसील में चार दर्रे पाए जाते हैं, जिनके नाम यहाँ पर हम लोगों ने बताए थे, वार परवेरिया, शिवपुरा घाट, सूरा घाट दर्रा, देवारी घाट दर्रा। उसके बाद आते हैं हम दक्षिणी अरावली प्रदेश के बारे में। दक्षिणी अरावली प्रदेश का विस्तार प्रमुख रूप से सिरोही, उदयपुर, रायसमंद जिले में है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश, कौन सा, दक्षिणी अरावली वाला। वास्तविक रूप में देखा जाए तो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश प्रमुख रूप से अत्यधिक सघन एवं उच्चता लिए हुए है। अत्यधिक सघन एवं उच्चता का मतलब है कि यह क्षेत्र में, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वह भी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। आप दक्षिणी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में सिरोही ज़िले में आबू श्रेणी में अनेक पहाड़ियाँ एवं शिखर हैं। आबू पर्वत 19 किलोमीटर लंबा एवं 8 किलोमीटर चौड़ा पठारनुमा भाग है, जो समुद्र तल से लगभग कितना, 1200 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत कितना, 1200 मीटर ऊंचा, और जिसका विस्तार कितना है, 8 किलोमीटर क्षेत्र में है, और जिसकी चौड़ाई 19 किलोमीटर लंबाई एवं 8 किलोमीटर चौड़ाई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दक्षिणी अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू क्षेत्र में गुरु शिखर पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया था। इसके अलावा यहाँ और भी अन्य श्रेणियाँ हैं, जैसे शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर, शेर है, जारगा है, जरगा, अचलगढ़, दिलवाड़ा, नागपानी, लीलागढ़, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ियाँ। इसके अलावा या ये कहें कि इन पर्वत चोटियों के अलावा उदयपुर ज़िले के उत्तर पश्चिमी भाग में एक पठार है, कुंभलगढ़ और गोवंदा के बीच में, जिसे हम बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। बोराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है, कुंभलगढ़ एवं गोवंदा के बीच में, कुंभलगढ़ एवं गोवंदा के मध्य बोराट का पठार अवस्थित है। इसके अलावा आबू पर्वतीय क्षेत्र में आबू श्रेणियाँ कौन से ज़िले में अवस्थित है, सिरोही में, ठीक है। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियाँ अवस्थित हैं। इसके अलावा आबू पर्वत के पश्चिमी भाग में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः डोरा पर्वत है। इसके अलावा शिवानी पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, इन्हें छप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाने जाता है। तो शिवानी पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, गोलाकार पहाड़ियाँ जिनके किसके नाम से जाना था, इन्हें छप्पन की पहाड़ियाँ। यहाँ पर आप लोगों को यह कन्फ्यूज या
नहीं होना है कि 56 का मैदान प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य 56 गांव का समूह है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं हम, 56 का मैदान या मध्य माही का बेसन कहते हैं। लेकिन सिवान पर्वतीय क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं उनको 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जवाई नदी घाटी क्षेत्र में, पाली का क्षेत्र में रोजा भाकर एवं इसराना भाकर एवं झारोला पड़ा झारोला पहाड़ अवस्थित है। इसके अलावा जालौर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत रोजा भाकर इसराना भाकर झारोला पड़ा झारोला पहाड़ अवस्थित हैं। अब हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से देखा जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग इसका दक्षिणी भाग है, जहाँ ये श्रृंखलाएँ सघन उच्च एवं वनों से आच्छादित तथा प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त हैं। स्पष्ट रूप में अगर ये कहें कि निष्कर्ष रूप से कहा जाए तो अरावली पर्वत राज्य की एक प्रमुख भौगोलिक इकाई है, जो प्राकृतिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। धन्यवाद।